नमस्कार दोस्तों, न्यूज हिंदी टीवी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर इस चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। दोस्तों, भारत में पहली बार मिला थाली जैसे पैरों वाला दुर्लभ चमगादड़, क्या इसमें है कोरोना वायरस, आइए जानते हैं। भारत में पहली बार दुर्लभ थाली जैसे पैरों वाला चमगादड़ खोजा गया है। वैसे ये चमगादड़ आमतौर पर वियतनाम में पाया जाता है। थाली जैसे पैरों वाला चमगादड़ मेघालय के एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मिला है। ये आमतौर पर बांस के जंगलों में मिलता है। इसे खोजा है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों ने। आइए जानते हैं इस नए चमगादड़ के बारे में, और यह भी क्या इससे भी कोरोना वायरस फैलने का खतरा है क्या नहीं। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ZSI के साइंटिस्ट डॉक्टर उत्तम सई किया और यूरोपियन नेचुरल हिस्ट्री म्यूजिशियन के कुछ वैज्ञानिकों ने मिलकर मेघालय के नॉनखिले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लाइलाड इलाके में बांस के झुरमुड़े के बीच इस थाली जैसे पैरों वाले चमगादड़ को खोजा है। इस चमगादड़ की प्रजाति को यूडिसर्कोपस डेटिकुलस कहते हैं। थाली जैसे पैरों वाला चमगादड़ अपने नारंगी रंग और अंगूठों में थाली जैसा आकार होने की वजह से पहचाना जाता है। इस चमगादड़ को खोजने की स्टडी रिपोर्ट स्विट्जरलैंड के जर्नल रिवेन्यू सिस्यू डी जियोलॉजिस्ट में प्रकाशित भी हुई है। डॉक्टर उत्तम और उनकी टीम हैरान तब हुई जब उन्होंने इस चमगादड़ के DNA की जाँच की। इस चमगादड़ का DNA वियतनाम में मिलने वाली इसी तरह की चमगादड़ में से मिलती है। हैरानी की इस बात है कि रही है कि मेघालय से वियतनाम की दूरी करीब 3000 किलोमीटर है, इतनी दूर तक ये चमगादड़ आया कैसे। हालांकि ये वियतनाम में मौजूद थाली जैसे पैरों वाले चमगादड़ की ही प्रजाति है। इस बात की खोज अब भी जारी है कि इतनी दूरी के बावजूद ये चमगादड़ यहाँ आया कैसे। डॉक्टर उत्तम और उनकी टीम ने उच्च स्तर के फ्रीक्वेंसी इको लोकेशन कॉल्स के जरिए इसकी रहवास की जांच की तो पता चला कि चमगादड़ को बांस के झुरमुड़ में रहना अच्छा लगता है। डॉक्टर उत्तम ने बताया कि बांस के टहनियों और शाखाओं के जोड़ पर अपने थाली जैसे पैरों के चिपक कर रहते हैं। साथ ही बांस के झाड़ उन्हें शिकारियों जैसे सुरक्षा प्रदान करते हैं। डॉक्टर उत्तम ने बताया कि ये इस जीव की अन्य प्रजातियां दक्षिण चीन, वियतनाम, थाईलैंड और म्यांमार में पाई जाती है, लेकिन मेघालय में इसका मिलना हैरानी वाली बात है। क्योंकि अगर दक्षिण एशियाई देशों की बात करें तो मेघालय के सबसे नज़दीक म्यांमार या चीन है। अगर ये वहाँ से नहीं आया है तो भारत में इस प्रजाति के चमगादड़ की नई प्रजाति कहलाती है। डॉक्टर उत्तम सेईकिया और उनकी टीम पिछले कुछ सालों से भारत में चमगादड़ों पर रिसर्च कर रहे हैं। उन्होंने देश के कई अलग अलग जगहों से चमगादड़ों की रोचक जानकारियाँ निकाली है। उन्होंने सिर्फ के मेघालय से ही 66 प्रजातियां चमगादड़ के खोजे हैं। मेघालय में जंगल काफ़ी है, लेकिन अब यहां भी पर्यावरण परिवर्तन का समय देखने को मिल रहा है। मुद्दा यह है कि क्या इस चमगादड़ को कोरोना वायरस पाया जाता है। थाली जैसे पैरों वाला चमगादड़ यानी यूडिसर्कोपस डेटिकुलस चमगादड़ को फैमिली वेस्पेरिटिलोनिडे की सब जीनस है। वेस्पर चमगादड़ों में भी कोरोना वायरस पाया जाता है।